सबसे कहा तो कैसा सब हो कर तो चलो अच्छे हो। तो गाइस आज के वीडियो में हम एक और गाड़ी के साथ हाजिर हो चुके हैं आप लोग के बीच। तो गाइस गाड़ी का नाम है टाटा रेनो, हमारा सबसे प्यारा, हमारा दिल में राज करने वाला गाड़ी। तो गाइस आ चुका है, देख सकते हैं इसका प्राइस का बात करो बहुत ही ज़्यादा लेस प्राइस है। इस प्राइस सुन रहे आप हिल जाने वाला हो, मतलब आपको मजा आ जाएगा इतना कम प्राइस है। इस आप गाड़ी देख सकते हो, लुक वाइज देखिए बहुत ही अच्छा गाड़ी है। आगे हम आपको इसका दो दो हेडलैम्प देखने को मिल जाता है एंड सिंगल वाइपर के साथ ही गाड़ी आता है। गाइस मैं बता तो इसका इंजन जो आप देख रहे हैं वो पीछे मिल जाएगा और ये जो गाड़ी है गाइस इसके अंदर आपको फॉग लैंप लगा हुआ नीचे में मिल जाता है। और मैं बता तो गाइस एक और बात, ये जो गाड़ी है इसका आपको टॉप मॉडल मिलने वाला है, यानी कि इसके ऊपर एक और वेरियंट आता था ट्विस्ट मॉडल, बट वो तो नहीं है, बट हाँ उससे नीचे एक बेस मॉडल है, लेकिन इसमें आपको टॉप मॉडल मिलने वाला, सारा कुछ आपको फीचर देखने को मिलता है। तो गाइस गाड़ी का लुक देख सकते हो काफ़ी अच्छा है, कोई भी स्क्रेचेस, कोई भी डेंटिंग पेंटिंग, एक भी माइनर स्क्रेच आपको देखने को नहीं मिलेगा। कोई एक्सीडेंटल गाड़ी नहीं है, क्योंकि जो भी अपने व्यूअर्स के लिए गाड़ी लाते हैं कोई एक्सीडेंटल नहीं होता। गाइस कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दूंगा एंड प्राइस भी बताऊंगा, तो टेंशन ना ले। तो गाइस आप पहले गाड़ी का अच्छे से लुक देख ले ताकि आपका मतलब मन में कुछ ये ना रहे कि यार गाड़ी मैंने देखा नहीं है, फिर इधर से नहीं देखा उधर से नहीं देखा। गाइस आप टायर कंडीशन से लेकर मीटर सब कुछ देख सकते हैं, इंटीरियर का मीटर देखिए गाइस काफ़ी अच्छा, इसका मीटर आपको देखने मिल जाता है, 120 का लास्ट स्पीड मिलता है यानी टॉप स्पीड। गाइस लुक वाइज देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लगता है, साइड मिरर भी आपको देखने को मिल जाएगा, आपको बॉडी कलर का साइड मिरर में मिलेगा, ऐसा नहीं है कि ब्लैक कलर का आपको देखने को मिल जाएगा। एंड टायर कंडीशन आप देख सकते हैं गाइस बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर है, पूरा तो न्यू नहीं बोल सकते बट हाँ अभी 60-70% बचा हुआ है टायर, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, आप लेने के बाद इजीली आराम से इस गाड़ी को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मेन रोल होता है गाड़ी का टायर का, अगर आप सस्ता गाड़ी लिया महंगा गाड़ी लिया आपको टायर सबसे ज़्यादा देखना चाहिए, क्योंकि टायर जल्दी बदलवाना पड़ जाएगा अगर आपका ज़्यादा रनिंग डेली का होगा। तो गाइस गाड़ी का लुक देख सकते हैं दोनों साइड, तीनों साइड से हम दिखाने ट्राई कर रहे हैं, दोनों तीनों तो क्या गाइस हम चारों साइड से आपको दिखाने का ट्राई कर रहे हैं ताकि आपके मन में कोई भी ये ना रहे कि यार इधर से दिक्कत था या फिर उधर से दिक्कत था। तो गाइस होप करता हूं आप गाड़ी को अच्छे से देख ले हो। गाड़ी का आपको और भी मैं डिटेल बताता हूँ, गाइस ये जो गाड़ी है टाटा नैनो 2013 मॉडल है, ठीक है 12 से 15 के बीच में जो CX VS 4 वेरियंट आता था वही आपको ये गाड़ी देखने को मिल जाने वाला है। और मैं इसका लुक दिखा दूँ तो गाइस आपको लुक वाइज तो बात अब नहीं करते हैं, क्योंकि लुक वाइज तो आपको मैंने अच्छे से दिखा दिया। अब इसका थोड़ा प्राइसिंग का बात करें तो गाइस प्राइस सिर्फ और सिर्फ 70,000 है, वो भी मैं गाइस आपको एक और सरप्राइज़ देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो प्राइस आप सुन रहे हो 70,000 है, फिक्स प्राइस नहीं है, प्राइस और भी कम हो सकता है, सो डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑनर से बात करके बार्गेनिंग जो जितना अच्छा कर लेंगे उनका उतना अच्छा से प्राइस गाइस कम हो जाने वाला, तो कोई दिक्कत नहीं है। पेट्रोल वेरिएंट गाड़ी है गाइस, किलोमीटर का बात करें तो अभी तक मैं 20,500 किलोमीटर गाड़ी चलाओ तो बहुत ही कम चला होगा इस, इतना कम चला हुआ गाड़ी है क्या मज़ा ही आ जाएगा इस लेने के बाद। तो क्योंकि कम चला हुआ गाड़ी आपको पता है इंजन में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, बॉडी में ज़्यादा कोई दिक्कत होगा नहीं इस गाड़ी का, इससे साफ साफ पता चलता है। गियर बॉक्स का बात करें तो गाइस मैनुअल गियर आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। एंड ऑनर का बात करें तो गाइस फर्स्ट ऑनर गाड़ी है। लोकेशन का बात करें तो गाइस बरेली में गाड़ी है, बरेली उत्तर प्रदेश साइड में पड़ता है, तो आप लोकेशन पर भी देख सकते हैं, गूगल मैप जो होता है हमारा उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं। गाइस सिंगल हैंड ड्राइविंग हमेशा से किया हुआ है, यानी कि जो फर्स्ट ऑनर थे वही हमेशा से चलाते थे, कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी के अंदर। एक्सीडेंटल का बात करें तो गाइस गाड़ी एक्सीडेंटल नहीं है, एडजस्टेबल मिरर आपको मैनुअल देखने को मिल जाएगा। एंड आपको मैं और भी बता दूं गाइस इसका डिटेल, तो गाइस एयर कंडीशन इसका भी हीटर के साथ मिल जाएगा, यानी कि आप ठंडा हो या गर्मी दोनों साइड दोनों में कूलिंग और हीटिंग दोनों को यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एयरबैग का बात करें तो गाइस इसके अंदर एयरबैग देखने को नहीं मिलता है। बैटरी कंडीशन का बात करते हो तो बिल्कुल ब्रांड न्यू बैटरी देखने को मिल जाएगा, वैचिकल सर्टिफिकेट गाइस आपको मिल जाने वाला है। कलर का बात करें तो गोल्ड कलर का गाड़ी। इंश्योरेंस का बात करते हो तो गाइस इंश्योरेंस कराए हुआ है थर्ड पार्टी, तो आपको यहाँ पर पैसा बच जाने वाला है। एंड मे एक मंथ नवंबर का आपको मिल जाएगा। पावर स्टेरिंग की बात करते हो तो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। रजिस्ट्रेशन प्लेस का बात करें तो गाइस यूके रजिस्ट्रेशन नंबर है, यानी कि उत्तराखंड का रजिस्ट्रेशन नंबर है, यूपी में गाड़ी है बट उत्तराखंड का रजिस्ट्रेशन नंबर, क्या ही बात है, गजब का कर दिया गया है, मतलब कि वहाँ से गाइस गाड़ी आया हुआ है। और एक और बात मैं आपको बताता हूँ, टेंशन नहीं है, NOC गाड़ी का अवेलेबल है, तो जिन भाई को चाहिए इजिली ले सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। एक्सचेंजिंग की बात करते हो तो एक्सचेंजिंग आपको फीचर्स के अंदर देखने को मिल जाती है, यानी कि आपका आपके पास अगर कोई और गाड़ी है तो आप चाहें तो इस गाड़ी के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। गाड़ी का नाम भी मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल में मारुति 800 हो गया या फिर ऑल्टो या फिर जितना ओल्ड मॉडल गाड़ी हो सकता है उसके साथ आप एक्सचेंज कर सकते हैं। ज़्यादा ओल्ड मॉडल हो तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दे करके लेना पड़ जाएगा, एंड आपको थोड़ा मतलब न्यू मॉडल हो तो आपको ओल्ड मॉडल से भी मतलब वो गाड़ी देने के बाद आपका काम चल जाने वाला, ज़्यादा कुछ पैसा देने की जरूरत नहीं है। एक बात और मैं बताता हूँ, इस फाइनेंस का भी ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि आपके पास अगर उतना पैसा नहीं है लेने का तो डायरेक्टली आप फाइनेंस भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपको इजिली मिल जाने वाला है गाड़ी फाइनेंस के ऊपर। अभी सर्विस हिस्ट्री का बात करते हो तो गाइस अवेलेबल है। टायर कंडीशन का बात करते हो तो बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर है, कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी के अंदर।
अंदर गाइस मैं एक बात और बता दूँ, ये जो गाड़ी का लोकेशन है और जहाँ पर रिव्यू हो रहा है ये भाई का कमेंट है जिस कारण से इसका रिव्यू किया जा रहा है। तो आप लोग का भी अगर कोई कमेंट हो, आप लोग को कोई स्ट्रीट में गाड़ी चाहिए बेशक कमेंट कर सकते हैं, रिव्यू आ जाने वाला है आप लोग के लिए, गाड़ी लेकर के आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्टैक्ट नंबर का बात कर लेते तो गाइस कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, ऑनर का एंड डिस्प्ले पर मैं फ्लैश कर दूँगा, टेंशन ना ले गाइस। अभी मैं आपको ऑनर का नाम बता दूँ, ऑनर का नाम है शिवम शुक्ला। तो गाइस कॉन्टैक्ट नंबर का गाड़ी आ गया, आपको कॉन्टैक्ट नंबर बता दो, नहीं तो बोलना कॉन्टैक्ट नंबर तो बताया नहीं भाई, कैसे लूँगा। गाइस देख सकते ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर, करना कुछ नहीं, इस नंबर पर कॉल करना एंड ऑनर से बात करना है। और जैसे मैंने आपको बताया था प्राइस फिक्स नहीं है, तो आपको बार्गेनिंग करना, जितना अच्छा बार्गेनिंग हो उतना अच्छा प्राइस कम हो जाएगा। वैसे मैं बता दूँ कितना तक करना है, 70,000 का प्राइस था, आपको मैक्सिमम 40 ले जाना है, 40 पे आपको बाई करना है, क्योंकि आपको पता है थोड़ा मतलब पुराना मॉडल है, बेस मॉडल उसके ऊपर जो आता था ट्विस्ट मॉडल वो 70-80 पे लेना चाहिए। इस कारण से कैसे इतना कम करा कि 40 तक आप इजीली इस गाड़ी को घर ले जा सकते हैं, जब जाए तो गाड़ी का अच्छे से टेस्ट ड्राइव ले, पसंद आता तो ले, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। होप करते वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दे। मिलता है अगले वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद जय भारत।